हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में, टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों 2024, जैसा कि हमने कहा था कि ये वैकेंसीज का ईयर होने वाला है, तो डेफिनेटली ये ईयर वैकेंसीज का है। कैसे ये ईयर वैकेंसीज का है, आपने देखा अभी तक बहुत सारे रिक्रूटमेंट आए और अभी जो लेटेस्ट ओपनिंग है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कल ही नोटिफिकेशन आया एग्जिम बैंक का। उससे पहले आया है जो अभी ऑनलाइन जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग चल ही रहा है, वो है IRDAI का। सो दोस्तों ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज टाइप के एग्जामिनेशन या IFI टाइप के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं इन एग्जामिनेशन को टारगेट करने में। इंपॉर्टेंट चीज ये है, कई स्टूडेंट से बात होती है तो वो कहते हैं कि सर नाबार्ड का एग्जामिनेशन हुआ बट उसमें GA में ऐसा लग रहा है, RBI में अगेन। सो दोस्तों जो हुआ सो हुआ, उस पे ज्यादा नहीं सोचना है, बट आपको हमेशा ये सोचना है कि नेक्स्ट मूव कैसे बेटर हो सकता है। जब आप RBI और नाबार्ड की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो ये चेक करना जरूरी है कि क्या ये एग्जामिनेशन जैसे IRDAI है या फिर एग्जिम बैंक है, क्या हम इसको फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इन एग्जामिनेशन में कंपटीशन कम होता है, क्यों? क्योंकि इनकी एलिजिबिलिटी नॉर्म से डिफरेंट है। एग्जिम बैंक में आप देखेंगे बहुत डिफरेंट एलिजिबिलिटी है, हर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा। जैसे नाबार्ड में आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आप एलिजिबल है, एग्जिम बैंक में ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबल होते हैं, तो ये आपको हमेशा समझना है। तो नई नई अपॉर्चुनिटीज को देखना है, एक ही चीज पे फिक्स नहीं रहना है। सो दो बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो अभी आज के टाइम पे हैं 2024 में, वो है IRDAI या एग्जिम बैंक। दोनों ही अच्छी इंस्टीट्यूशन है। IRDAI तो आप सभी को पता है, दिस इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी। एंड साथ ही साथ जो एग्जिम बैंक है, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, AIFI है, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको कहा जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये काम करता है, जैसे आपको पता है SIDBI है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए या फिर MSMEs के लिए, नाबार्ड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के, एग्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। सो दोनों को एक बार हम कंपेयर करेंगे, फिर आप डिसाइड कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इन दोनों एग्जामिनेशन को फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। जो भी चीज है आपको जो भी लगेगा आप जरूर बताइएगा। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आई है एग्जिम बैंक में 22 जनरल के लिए है, ओवरऑल वैकेंसीज 50 है। ओके, इसमें क्या बाइफिकेशन है, क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये भी आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी वेबसाइट में लिंक ओपन नहीं हुआ है, कब होगा? सितंबर 18 में। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या? अक्टूबर 7, और उसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो अक्टूबर में ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर नाबार्ड एंड RBI ही होगा। सो आप देख सकते हैं कि अगर आपका फेज 2 RBI नाबार्ड का भी है तो उसके बाद आप सेम चीज कर सकते हैं, क्योंकि अगेन काफी चीजें इसमें सिमिलर होने वाली है। IRDAI की बात अगर हम करें तो इसमें टोटल वैकेंसीज 49 है, इसमें एक्चुअरियल फाइनेंस लॉ IT रिसर्च स्ट्रीम की भी इंक्लूडेड है। बाइफर्केशन अभी फर्दर आगे हम देखेंगे। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इसकी 20th September है, क्योंकि ये पहले आ चुका था, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिल कर भी लिया होगा। अब कई स्टूडेंट्स का ये भी होता है, सर RBI भी भर लिया, नाबार्ड भी भर लिया, IRDAI भी भर लिया, एग्जाम बैंक भरे कि नहीं भरे, क्योंकि इतने सारे एग्जामिनेशन है, कॉस्ट भी आती है ना, एग्जाम देने की कॉस्ट भी है, फॉर्म फिलिंग करने की कॉस्ट भी है, फिर प्रिपरेशन करने की कॉस्ट है, फिर टाइम है, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सारी कॉस्ट है। बट दोस्तों उसके साथ साथ हमारे माइंड में एक बड़ी बात होती है, जो एक लास्ट टाइम के स्टूडेंट ने भी मुझसे कही थी कि सर एक संक कॉस्ट फैलेसी होती है, खासकर फाइनेंस के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि संक कॉस्ट फैलेसी मतलब हमने इतनी प्रिपरेशन कर ली है तो हमें लगता है यार थोड़ा सा और करेंगे या इसको भी कर लेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, है ना, क्योंकि पास्ट में हमने काफी टाइम दे चुका है। सो सारी चीजें आपको मेंटेन करके चलनी है, बट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप फिल करने वाले कि नहीं करने वाले। नेक्स्ट है एग्जिम बैंक, इसके एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखिए। यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशन की इस बार वैकेंसीज आई है, टोटल वैकेंसी 50 है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी किसमें, या तो MBA, PGDBA, PGDBM, MMS विद स्पेशलाइजेशन इन जनरल नहीं, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड और CA, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 ईयर का होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में होना चाहिए, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल इसमें होंगे। ओके, और ये साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिया है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ CA या फिर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट जिनका है वो भी एलिजिबल है एप्लीकेशन के लिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 28 ईयर। IRDAI की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम दो देखेंगे, एक हम देखेंगे फाइनेंस का और दूसरा हम देखेंगे जर्नलिस्ट का। ओके, तो फाइनेंस में अगर आप देखेंगे ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स इन ACA, AICWA, ACMA, ACS एंड CFA। ओके, इसके अलावा जर्नलिस्ट में आप देखेंगे ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, तो आप यहीं पे देख सकते हैं
आईआरडीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स इलिजिबल होंगे या लगभग सारे ही स्टूडेंट इलिजिबल है, बट एग्जिम इस बैंक में नहीं है। तो हम कह सकते हैं एग्जिम बैंक उन स्टूडेंट्स के लिए है, खासकर जो फाइनेंस रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। तो फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए देखिए आरबीआई तो है ही, नाबार्ड फाइनेंस है, आईआरडीए फाइनेंस है, एग्जिम बैंक तो फाइनेंस स्टूडेंट के लिए। तो अब ऐसे में जो फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं या जिनका एमबीए इन फाइनेंस है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसी भी तरीके से आपको मिस नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये तो दोनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब हम सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन सारी चीजें यही होती। पर मैंने आपको एक चीज बताई, देखो आपको हैदराबाद में जॉब करनी है आईआरडीएआई, आपको मुंबई में जॉब करनी है एग्जिम बैंक, कोई ट्रांसफर नहीं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग को जो यहाँ पे लिया जाता है उसमें जो बेसिक होता है वो 48,480 होता है अकॉर्डिंग टू 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, जिसमें और इसमें ये है कि एक साल तक जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो आपको 65,000 रुपीस पर मंथ मिलेंगे, बट उसके बाद ये सैलरी मिलेगी। सैलरी अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं, हाउस लोन है, बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि इनमें 20 लाख पर एनम तक जो हमारा सीटीसी होता है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही, उससे ज्यादा भी होता है। आईआरडीए में तो आप सभी को पता है कि वो सैलरी अभी यहाँ पे 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट लगा ही नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन 11th के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो 2 लाख तक हो जाएगी कुछ ही टाइम में, अभी जो 1,46,000 यहाँ पे इन्होंने बताई है। सो आप देखेंगे ये अकॉर्डिंग टू लास्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट है, अभी बैंक का हुआ, अभी आरबीआई नाबार्ड आईआरडी इन सबका होना बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी तो दोनों में ही काफी अच्छी है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्जाम बैंक में नो क्यूआरई, कोई क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश नहीं, कोई कुछ सब्जेक्ट नहीं, क्या है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज। एक क्वेश्चन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 40 मार्क्स का, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आउट ऑफ 8, और ये 60 मार्क्स होगा, टोटल 2.3 आवर्स आपको मिलेगा। 70% इसका वेटेज रहेगा, 30% इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। आईआरडीए की अगर हम बात करेंगे तो इसमें तो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू है। फेज 1 में क्वांट्स इज इन इंग्लिश और जीए रहेगा क्वालिफाइंग, पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव ईएसआई, देन इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, इसका वेटेज है 85% और इंटरव्यू का वेटेज है 15%। तो ये दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है, किस किस फॉर्म को फिल करना है, और कैसे ये दो अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं जो आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं। तो सो आईबीपीएस पीओ अगर आप फिल करते हैं तो एक जनरल लेवल पे हम होते हैं बैंक में, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और साथ ही साथ वो एक रूटीन वर्क है, एग्जीक्यूशन का बेसिकली वर्क है, पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग वो सारे इंस्टीट्यूशन ये है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप उसमें भी बता सकते हैं कि आप क्या उम्मीद क्या राय रखते हैं एग्जिम बैंक और आईआरडीए के लिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।